Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Friendship. In today's video we'll start with chapter number 12 of Onsojan 1 class 9. It is La Francophonie का क्या meaning होता है, मतलब French speaking. तो इस chapter के अंदर हमारे पास French speaking जो हमारा एक day भी celebrate होता है for the nations who have French as their native language or the just सिंपल सेकेंड मदर लैंग्वेज. तो वही हमारा इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है डिस्कशन हमारा कर रखा है, राइट. अब आते हैं हम इस टेक्स्ट पर. एंड इस वीडियो के अंदर हम जो इनटेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वही कवर करेंगे. जो एक्सरसाइज पार्ट होगा वो अगर आप लोग डिमांड करते हो तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो जो वीडियो थोड़ी होती है वो लेंदी हो जाती है. तो आई प्रेफर कि इनटेक्स्ट पार्ट अलग कवर हो जाए और एक्सरसाइज अगर आप लोगों से सॉल्व हो जाती तो ऐसी तो बात ही नहीं है, बट एक्सरसाइज में डाउट हो तो वो अलग से सॉल्व हो जाए. एक ही वीडियो में कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बोर भी हो जाते हैं फिर एंड पूरी वीडियो अच्छे से नहीं देख पाते, तो इस वजह से डिफरेंट वीडियो आई वुड प्रेफर. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से. La Journée Internationale de la Francophonie est une célébration mondiale de l'Organisation Internationale de la Francophonie qui a lieu le 20 mars chaque année. Means the National Day, journée क्या होता है? Day. International Day of French Speaking is a worldwide celebration. Mondial का क्या meaning होता है? Worldwide. Of International Organization of French Speaking Countries which takes place on 20 March every year. Shak means each and ane means year. मतलब कि जो हमारा French Speaking Countries का जो International Day होता है वो हमारा एक worldwide celebration होता है OIF का. OIF की full form क्या है? Organisation International de la Francophonie which takes place, मतलब ये जो हमारा International Day of French Speaking Countries है वो कब टेक प्लेस करता है? 20 March ईच ईयर. Le mot francophonie a été créé à la fin du ये जो हमारा यहाँ पर एक्स वन एक्स दे रखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये हमारा रोमन न्यूमरल्स में दे रखा है. एक्स का मीनिंग होता है 10 और ये 1 और x का क्या मीनिंग होता है? इट इज़ 9. तो ये हमारा क्या बन गया? 19. सो इन द 19th सीएक्ल, अब ये हमारा सीएक्ल क्या होता है? इट इज़ सेंचुरी. सो जो हमारा वर्ड है फ्रांकोफोनी, इट वॉज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी पार ल जियोग्राफ ओनेसिम रेक्रू. मीन्स इट जो ये हमारा वर्ड है फ्रांकोफोनी, इट वॉज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बाय द जियोग्राफर. जियोग्राफर जो जियोग्राफी की स्टडी करते हैं, ओनेसिम रेक्रू. ठीक है, ले फ्रांकोफोनी अवेक एफ मजस्कूल डेजीन लोसोम्बल ड्यूमोंट फ्रांकोफोन से आदिर ले डिफरेंट पेज ए रेजियों ओ ले फ्रांसे ए लॉन्ग मैटरनेल ओ ड्यूजाज. अब ये सेकंड लाइन में हमारा क्या कहता है? जो हमारा फ्रांकोफोनी है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज है, वो हमारा डिजाइन, इट मीन्स. अब उसका मीनिंग क्या होता है? डेजीन का क्या मीनिंग होता है? मीन्स MEANS जो फ्रांकोफोनी वर्ड है, ठीक है, जिसके पास क्या है? F मजस्कूल. मजस्कूल क्या होता है? कैपिटल लेटर. तो जिसका F कैपिटल है उसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स ओसोम्बल ड्यूमोंट फ्रांकोफोन, मतलब जितना भी हमारा फ्रेंच स्पीकिंग वर्ड है उसको एक इकट्ठा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रांकोफोनी. से आदिर मीन्स इट इज That is to say the different countries and regions जहाँ पर हमारी French maternal language है या फिर second use की language है, like official language हो या administrative purpose के लिए use होती हो या school में use होती हो, ऐसी language हमारी French को माना जाता है. Il s'agit d'une expression géographique et d'un regroupement géopolitique. अब ये हमारा क्या बन चुकी है? एक जियोग्राफिक एक्सप्रेशन और जियोपॉलिटिकल रिग्रुपमेंट हमारी ये बन चुकी है. ठीक है, लजेक्टिव फ्रांकोफोन डिसीन लोसोम्ले दे लोक्यूटर की यूटिलीज ल फ्रांसे कॉम लॉन्ग मटरनेल ऊ कॉम लॉन्ग ड्यूसाज. मीन्स जो हमारी जो एडजेक्टिव है फ्रांकोफोन, अब फ्रांकोफोनी की बात नहीं कर रहे हम, फ्रांकोफोनी तो वो हो गया वो टुगेदर टू डिग्निफाई जहाँ पर हमारी फ्रेंच को मेटर्नल लैंग्वेज और सेकेंड यूज लैंग्वेज माना जाता है, तो वो हमारा हो गया फ्रांकोफोनी. अब फ्रांकोफोन क्या होता है? इट इज़ द लोक्यूटर मीन्स स्पीकर हु यूज़ फ्रेंच एज मेटर्नल और
लैंग्वेज ऑफ यूज, एज अ लैंग्वेज ऑफ यूज और एज अ मैटरनल लैंग्वेज उसको जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फ्रांकोफोन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फैक्ट दे रखा है कि ये जो फ्रेंच है, इट इज़ द सिक्स्थ मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज ऑन द प्लैनेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखी है, उसको आप लोगों को रीड करना, क्वेश्चन है वो रीड करने हैं, उनको आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। आई होप टेक्स्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्या क्या हमने देखा उसके अंदर वो भी क्लियर हो गया होगा। फ्रांकोफोनी के ऊपर ही बेसिक था उसका। अब हम आते हैं यहाँ पर ली ले कुरियल सी डेस्यू, मीन्स जो नीचे हमारा ये दिया हुआ है मेल, उसको हमें जो है रीड करना है। सो लेट्स रीड, इट सेज बोंजूर डेनिस, मीन्स हेलो डेनिस, नू तो वो सर पिथी मो यू सेनेगाल, मीन्स वी आर सेंडिंग यू या वी सेंड यू दिस स्मॉल नोट फ्रॉम सेनेगाल। सेनेगाल क्या है, एक प्लेस का नाम है। नू सोम आ सेंट लुई शे नोट्रो अंकल हसन, मीन्स वी आर एट सेंट लुइस एट आर अंकल्स होम हसन। ऑल्सो मोमो मीन्स इन दिस मोमेंट, नू सोम आ डकार, मीन्स हम डकार में हैं, विच इज सिचुएटेड 60 किलोमीटर्स नॉर्थ फ्रॉम द सेंट लुइस। डकार से ला कैपिटल जो सेनेगाल, मीन्स डकार जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ सेनेगल। लोथ्रो जूर नूजामो विजिटे ल पार्क द दजूदी पुरवुआर लिजुआसो, मीन्स अदर डेज वी हैव विजिटेड द दजूदी पार्क फॉर सीइंग द बर्ड्स। नू सोम आले अला मोस्के मोस्के आ तूबा ए नूजामो उसी विजिटे ल मार्शे आ कौलाश सुद द डकार, मीन्स वी हैव ऑल्सो गोन टू द टोबा मोस्क। मोस्क आप लोगों को पता होगा, इट इज़ अ रिलीजियस प्लेस। एंड वी हैव ऑल्सो विजिटेड द मार्केट इन कौलाश। कौलाश क्या है, इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ डकार, ठीक है। नू एस्पेरो कतू वबिया दतो कोते, मीन्स वी होप दैट एवरी थिंग इज गोइंग गुड एट योर साइड। चू दू आ वेनीर शेन अ द सेजूर, मीन्स यू हैव टू कम वन ऑफ दिस डेज, मतलब किसी भी दिन अब तुमको ज़रूर आना है। वल लिनुअल मीन्स हेयर आर द न्यूज़। न्यू पार्थोपुल कनाडा मीन्स वी आर लिविंग फॉर द कनाडा। ललित सिमेन प्रोशन मीन्स नेक्स्ट वीक वी आर लिविंग फॉर कनाडा। ए न्यू जी रेस्टोरों यून कैंजिन द शूर, मीन्स एंड वी विल रेस्ट हेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज। अभियांथो बिया अमी खालमो, मीन्स वेल फ्रेंडली नारगिस ए अली, नारगिस एंड अली हु आर राइटिंग दिस मेल टू डेनिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मेल था। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे जो आप लोगों को आंसर करने हैं। अब हम आते हैं ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ ला रेसित द कुसकुस। ला रेसित द कुसकुस, अब ये कुसकुस क्या है हमारा, ल कुसकुस आ एच ए क्लास से और 2014 और प्रीमियर पोजिशन डिप्ला प्रेफरे रेफ्रांस, मीन्स जो कुसकुस इट वॉज क्लास इन 2014 एज फर्स्ट पोजिशन ऑफ फेवरेट डिशेज ऑफ फ्रेंच, मतलब फ्रेंच लोगों की फेवरेट डिशेज में उसको फर्स्ट पोजिशन पर रखा गया था कुसकुस को इन द ईयर 2014। लो कुसकुस ए प्ला नॉर अफ्रीके की डिजीन उसी लेग्रान्यूल द सेमूल द ब्ले ड्यूर, मीन्स जो हमारे कुसकुस है इट इज़ अ नॉर्थ अफ्रीकन डिश विच विच डिजाइंस ऑल्सो द ग्रैन्यूल्स ऑफ सेमोलिना। सेमोलिना ग्रैन्यूल्स हैं इसके अंदर। सेमोलिना क्या होता है हमारा, सूजी जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो सूजी जो होती है उसको हम सेमोलिना बोलते हैं, फ्रेंच में सेमूल बोलते हैं। सेमूल द ब्ले ड्यूर मीन्स ऑफ हार्ड व्हीट, मतलब सेमोलिना ऑफ हार्ड व्हीट। ब्ले का क्या मीनिंग होता है, ब्ले का मीनिंग होता है व्हीट एंड ड्यूर मीन्स हार्ड। ओजुदवी ल कुसकुस ए अबिचुअल मो सर्वी आवेग द लवियांत ए आ रागु द लेक्यूम, मीन्स टुडे जो हमारा कुसकुस होता है इट इज़ यूजुअली सर्व्ड विद मीट एंड वेजिटेबल स्ट्यू। वेजिटेबल स्ट्यू के साथ जो ये हमारी सर्व होती है एंड विद मीट। अब हम देखते हैं रेसिपी, रेसित ड्यू कुसकुस। अब हमारे इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स फॉर 6 पर्सन। सो सबसे पहला इंग्रेडिएंट 3 स्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल, 2 बॉटल्स ऑफ टमाटो कंसनट्रेट, 2 स्पून्स ऑफ सूप स्पाइस ऑफ कुसकुस, 10 स्मॉल टर्निप, टर्निप आप लोगों को पता होगा शलगम, सीज कैरोट 6 कैरेट्स, 2
zucchini and one box of pua. Pua का मीन क्या मीनिंग होता है? मटर जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो, तो पुआ किश मीन्स चिक. किश का क्या मीनिंग होता है? चिक. ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी प्रिपरेशन. प्रिपरेशन में क्या है? लावे ए प्लूशे ले लेग्यूम ए कूपे ले ओ पेटी मोरको. मीन्स यू हैव टू वॉश एंड पील द वेजिटेबल्स एंड कट देम इन स्मॉल पीसेस. दो यून कसरोल मीन्स इन अ पैन. आप लोगों को क्या करना है? यू हैव टू पोर ऑलिव ऑयल, लुइल दोलिव. मेथियोफो मीन्स यू हैव टू पुट इट ऑन फायर, मतलब फायर को लाइट आउट, लाइट अप कर लो. अजूते ले लेग्यूम ए ले कॉन्सेंट्रे द टमाट. मीन्स यू हैव टू एड द vegetables and tomato concentrate. You have to then wait for 20 minutes. Ajouter le bois quiche means jo hamari chick. Et l'espèce, matlab humko in dono products ko jo hai hame add karna hai. And then you have to serve accompagné d'une semoule fine. Means then you have to serve it with semolina, fine semolina. ठीक है, ये हमने करा. अब आते हैं, यहाँ पर हो गया. अब आते हैं ये वाला लास्ट टॉपिक है सेलिन डायो पर. सेलिन डायो विच इज़ अ कैनेडियन सिंगर. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अबाउट सेलिन डायो. सो लेट मी फर्स्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ इट. यस, सो अब उसका यहाँ पर हमारा जो चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा सेलिन डायो के बाद. आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर में तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में विदाउट हेजिटेशन पूछ लेना. सो यहाँ पर कहता है से जुनशांतस कैनेडियन ने ल 30 मार्च 1968 अ शार्लमाइन ऑफ क्यूबेक. मतलब शी इज़ अ कैनेडियन सिंगर हु वॉज बॉर्न ऑन 30 मार्च 1968 इन शार्लमाइन इन क्यूबेक. एल लॉन्च द प्रीमियर एल्बम ऑन 1981. मतलब She spared her two first albums in 1981 and Chain on Sweet Le Sorti the Disc. फिर उसने Chain जो link करा उसको by the Sorti of Disc and Quebec. मतलब फिर उसने जब ये दो albums release कर दी तो उसके बाद दो disc उसने release करी in the Quebec where she was then almost known as a successful person. Ses chansons les plus connues sont Ne partez pas sans moi. मतलब उसके बहुत जो famous songs हैं दो, वो एक तो है Ne partez pas avec moi जो कि आप लोग YG पर सर्च कर लिसन कर सकते हो, एंड On ne change pas. ठीक है, तो ये उसके दो क्या है famous songs हैं. सो site officiel A. अब ये उसकी साइट भी दे रखी है विच इज़ हर ऑफिशियल साइट www.celinedion.com. तो आप लोग इसको भी विजिट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा. इतना टफ चैप्टर नहीं है. एंड हेयर वी फिनिश विद आर ओन थ्री जन वन क्लास नाइन बुक. इस चैप्टर में नहीं, पूरी बुक में कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना. एक्सरसाइज वीडियो को इसी चैप्टर के चाहिए हो इस बुक में से तो देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी.